नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है अमेठी से। आम आदमी पार्टी की बैठक हुई आयोजित गौरीगंज अमेठी में। जिला कार्यालय गौरीगंज में आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि दिल्ली सदर बाजार के सम्मानित विधायक सोमदत्त रहे। बैठक की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के अमेठी जिला अध्यक्ष SP कश्यप ने की। बैठक में चारों विधानसभा के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। बैठक संबोधित करते हुए विधायक सोमदत्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी तथा अमेठी की आवाम को वही सुविधा मुहैया कराएगी जो दिल्ली की जनता को मिल रही है। दिल्ली सरकार फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य सेवा और महिलाओं को फ्री बस यात्रा, फ्री शिक्षा के साथ 8 से 12 तक के छात्रों को वजीफा मुहैया कराई है। इसी आम आदमी पार्टी की बैठक में दिल्ली सदर विधायक सोमदत्त ने राजेश सिंह की सक्रियता और संगठन के प्रति निष्ठा देखते हुए राजेश सिंह को अमेठी जनपद का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया। बैठक में चारों विधानसभा के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सर, आज आप अमेठी आए हैं, एक दिवसीय दौरा है, क्या रणनीति बनाई गई और किस प्रकार का जो है कार्यक्रम है? देखिए, दिल्ली से तीसरी बार निर्वाचित और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ये घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर भी पूरी ताकत से चुनाव के अंदर उतरेगी और इसी के तहत विभिन्न जिलों के अंदर आम आदमी पार्टी अपने संगठन विस्तार के लिए आई हुई है। और इसी क्रम में मैं आज अमेठी के अंदर, मैं सोमदत्त दिल्ली में सदर क्षेत्र से विधायक हूँ और अमेठी जिले के अंदर अपने यहाँ पे साथियों से मिलने के लिए आया हूँ और इनसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आया हूँ। पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, अमेठी में भी लगातार चौथी हत्या चुकी है और उसके साथ ही किसानों का मुद्दा चुनाव में आफत बनकर खड़ा हुआ है। इस पर आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बना रही है? इस पर ये आपकी बात एकदम जायज है कि प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में भाजपा के शासनकाल में, योगी सरकार के शासनकाल के अंदर अपराधों के अंदर बहुत भारी संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है तमाम तरीके से यहाँ पे, और जनता में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। अपराधों पे लगाम लगाना प्रदेश सरकार का काम था जिसके अंदर वो फेल साबित हुई है और इस मुद्दे पे जोरदार तरीके से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम भी अपने माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जनता को भी जागरूक करें और सरकार को चेताएं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है कि प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ आएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी के मुद्दे तो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा हर एक व्यक्ति को, उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। तो जैसे हमने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया, जैसे दिल्ली में इलाज अस्पतालों को बेहतर किया, जैसे दिल्ली में बिजली और पानी की व्यवस्थाओं में सुधार किया, जैसे दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगवाए, जैसे दिल्ली में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करी, जैसे दिल्ली के अंदर पेंशन 2500 रुपये कर दी गई और तमाम तरह की सुविधाएं, महिलाओं के लिए बस यात्रा परिवहन व्यवस्था निःशुल्क करी गई, इसी तरीके से ये सारी सुविधाएँ हम उत्तर प्रदेश में भी, बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के सुविधाएँ उत्तर प्रदेश के नागरिकों, जनता के लिए भी लेकर आएंगे। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।